Hello everyone, welcome to my YouTube channel Excel VBA Expert. In today's video we will be working on the project जो हमने start करा था, right? तो हमने last video में हमने क्या करा था, integration of VBA and SQL कर रहे थे, जिसके अंदर हमने सिर्फ उसका interface बनाया था. interface क्या बनाया था हमने, जैसे ये हमने last video में हमने बनाना सीखा था, correct? ये हमने बना लिया था. now the turn and the time is to writing the code, you know, behind this user form. ठीक है, इस यूजर फॉर्म के बैकएंड में हमें कोडिंग लिखनी है, सो दैट इट विल बी यूजफुल. अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चर, इसके अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, राइट? कुछ काम नहीं कर रहा. अब इसके अंदर हम कोडिंग करना सीखेंगे कि जब डेटाबेस का नेम हम यहाँ पे कैसे लाएं, टेबल कैसे लाएं, गेट डेटा कैसा आएगा, एक्सपोर्ट डेटा कैसा आएगा. तो ओवरऑल चार चीज़ें हमें करनी है, एक डेटाबेस, उसका टेबल, गेट डेटा और गेट डेटा इन द डिफरेंट वर्क. ठीक है, तो क्विकली स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो. पहली बात कि अगर हमें एक्सेल और एसक्यूएल को कनेक्ट करना है तो हमें एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी को यहाँ पे इनेबल करना पड़ता है, विच इज़ द माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट 6.1 लाइब्रेरी, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक स्क्रीनशॉट दे दिया है. एंड यू गाइज कैन डाउनलोड दिस वर्कबुक, ऑलराइट? यू गाइज कैन डाउनलोड दिस वर्कबुक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई वुड प्रोवाइड यू द लिंक. ठीक है, तो ये जो यूटिलिटी बनाएंगे कम्प्लीटली यू नो डायनेमिक रहेगा. मैं जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, यू गाइज कैन ऑल्सो स्टार्ट टू वर्क, ओनली यू नीड टू गिव योर सर्वर नेम. ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ में एक सर्वर नेम का वो बना, सर्वर नेम मेरा क्या है, अभी सर्वर नेम एसक्यूएल में जाने के बाद राइट क्लिक करता हूँ, कनेक्ट, ये सर्वर नेम है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा, बस अपना सर्वर नेम डालना, थिंग्स विल वर्क क्वाइट गुड. ठीक है, तो लेट स्टार्ट टू राइट. पहली चीज़ क्या करनी है, पहली चीज़ हमें यहाँ पे डेटाबेस को प्रिंट कराना है. डेटाबेस को प्रिंट कराना, जैसे ही यूजर फॉर्म मेरा एक्टिवेट हो, ऑटोमेटिकली क्या करे, एसक्यूएल पे जाए, एसक्यूएल से सारे डेटाबेस को प्रिंट कर दे. ठीक है, तो इसके बैकएंड में हम एक्टिवेट जैसे हो तो इसको इनिशियलाइज पे लिखते हैं कोड, इनिशियलाइज. ठीक है, तो इनिशियलाइज पे हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे. अब डिम सीएनएन एज न्यू एडीओडीबी कनेक्शन, हम यहाँ पे न्यू लगा दें तो अब हमें सेट की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे सेट नहीं करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमने न्यू कर दिया है. RST एज न्यू रिकॉर्ड सेट, न्यू रिकॉर्ड सेट, की एज अ इंटीजर. ठीक है, SH एज अ वर्कशीट. ऑलराइट, तो यहाँ पे हम करते हैं सेट, इसको एक ही एंड करो, तीन एंड करते हैं. अब यहाँ पे क्या करना है, क्यूरी लिखनी है, क्यूरी भी लिखनी है, क्यूरी एज स्ट्रिंग. अब यहाँ पे QRY क्या है, हमें डेटाबेस को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे क्या क्यूरी लिखनी पड़ती है, ये क्यूरी लिखनी पड़ती है जो कि मैंने बता रखी है अपनी दूसरी वीडियो में, इसको हम कॉपी कर लेंगे. यहाँ QRY इक्वल टू ये, ठीक है, ये क्यूरी हमने यहाँ पे स्टोर करा दी. अब क्या करना है, हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाना है. स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. जब किसी एप्लीकेशन को आप SQL से कनेक्ट करते हो तो आपको स्ट्रिंग की ज़रूरत होती है. द स्ट्रिंग विच वी आर गोइंग टू राइट, ओके, थोड़ा सा केस सेंसिटिव रहेगा, तो प्लीज़ यू नो वॉच इट वेरी केयरफुली. यहाँ पहले शीट को डिक्लेयर करते हैं, एस सेट एस एच दिस वर्कबुक डॉट सीट्स. ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम str में हम पूरा स्ट्रिंग को कैप्चर करवाएंगे. प्रोवाइडर SQL OLADB 1.0 इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी SSPI डेटा सोर्स. अब यहाँ डेटा सोर्स क्या है, डेटा सोर्स में आपको सर्वर का नाम देना है. सर्वर का नाम हमने कहाँ प्रिंट कराया है, यहाँ पे क्या है, B5 का मैं यहाँ पे रेफरेंस दे दूँगा. क्या दे दूँगा, SH.range B5.value. ठीक है, बहुत स्क्रेच से बना रहा हूँ, आई होप यू वुड अंडरस्टैंड वट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. मुझे डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस का नाम लिख देता हूँ, इनिशियल कैटलॉग में हमारा रहेगा पाइथन डेटा. ठीक है, ये हमने स्ट्रिंग बना दिया, इसको हमें ओपन कराना है. cnn.open str ओपन कराने के बाद हमें क्या करना है, क्यूरी को हमें जो QRY जो हमने यहाँ पे क्यूरी यहाँ पे कैप्चर करवाई है, स्टोर करवाई है इस पर्टिकुलर वर्ड में, इसको हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट भी करना है. rst.open qry cnn. ठीक है, ये हमने क्या करा, ये हमने यहाँ पे पूरा SQL वाला काम कर दिया, पूरा इंटीग्रेशन बना दिया. अब हमने यहाँ पे कर तो दिया, अब हमें प्रिंट कराना है.
मैं चाहता हूँ कि XFD में मेरे सारे डेटाबेस के नेम प्रिंट हो जाए, तो पहले यहाँ पे हेडर प्रिंट करा, हेडर प्रिंट करा लेता हूँ, या मुझे हेडर की जरूरत भी नहीं है, आई डोंट वांट टू हेडर नीचे मुझे यहाँ पे सिंपल लिखते हैं sh.range xfd1.copyfromrecords, ठीक है, इसको क्लोज करो, cnn.close। जब जब मेरा ये एक्टिवेट हो तो यहाँ पे पहला काम क्या करें, XFD को क्लियर कराए पहले, सो दैट कि अगर मेरा डेटाबेस इंक्रीज भी होता है या डिलीट भी मारते हैं तो हमारा क्लियर और नीट एंड क्लीन हमारा लिस्ट ऑफ डेटाबेस हमारे उस पर्टिकुलर कॉमो बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। तो xfd1.value को एंटायर फॉर्म डॉट क्लियर करा देते हैं, और इतनी सी छोटी सी कोडिंग में हम अपना पूरा डेटाबेस का नाम प्रिंट कराएंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इसको रन कराऊँ, F5 जैसे मैंने प्रेस करा, आर्गूमेंट नॉट ऑप्शनल, तो यहाँ पे str मैंने कहीं डिक्लेयर नहीं करा है, तो str एज ए स्ट्रिंग कर देते हैं, इसको रन करते हैं। जैसे मैंने रन करा गाइस, सो सी व्हाट वुड हैपन, प्रोवाइडर कैन नॉट बी फाउंड, इट मे नॉट बी प्रॉपर्ली इंस्टॉल, सो लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रोवाइडर ओके हियर sql ओके oledb, यहाँ हमने मिस स्पेल कर दिया था। अगर मैं इसको F5 अप प्रेस करता हूँ, स्ट्रिंग SQL, इसको थोड़ा सा अगेन लिखते हैं, SQL OLEDB 1.0, ठीक है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी SSPI डेटा सोर्स, ठीक है। तो F5 हम इसको प्रेस करते हैं, सी यहाँ पे सारे डेटाबेस के नेम यहाँ पे प्रिंट होके आ गए और यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा। यहाँ हमने शीट के अंदर तो हमने प्रिंट करा दिया, अब ये जो शीट के अंदर प्रिंट कराया है इसको अब हमें क्या करना है, कॉमो बॉक्स वन में ऐड कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे विद मी डॉट कॉमो बॉक्स वन एंड विद, ठीक है, यहाँ लिखो 4K, वन से चले कहाँ तक, जहाँ तक मेरी लास्ट रो रोज डॉट काउंट XFD एंड XLF डॉट, ठीक है, नेक्स्ट के। अब यहाँ पे डॉट एड आइटम ss.range xfd1.1k.value, ठीक है, इसको F5 करते हैं। अब देखो इसके अंदर भी हमारा प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या करनी है, यहाँ हमने बहुत आसानी से हमने क्या करा, पहला काम करा कि XFD में सारे डेटाबेस को हमने प्रिंट कराया, प्रिंट कराने के बाद हमने XFD पे लूप चला दिया। हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट आई वॉन्टेड यू गाइज कि अगर आपको शीट में कभी चाहिए एक ही साथ की कितने डेटाबेस हैं तो आप सीधा वहाँ से भी कर सकते, ठीक है, मेरा पर्सपेक्टिव होता। ऑल राइट, नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ हमारे सारे डेटाबेस के नाम आ जाए, ठीक है, नेम आ गए, हम ले आए। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं जॉइंस पे क्लिक करूँ, जॉइंस पे क्लिक करने के बाद जैसे मैं सिलेक्ट टेबल पे जाऊँ तो मेरे पास वही टेबल के नेम आने चाहिए जो जॉइंस डेटाबेस के यू नो डोमेन में क्रिएटेड है, जो जॉइंस डेटाबेस के अंदर हमने क्रिएट करे हैं। जैसे ही मैं कोई भी डेटाबेस यहाँ पे चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट करूँ, तो प्रोजेक्ट के अंदर में जितने भी टेबल हैं वही डिस्प्ले हो, कोई एक्स्ट्रा डिस्प्ले ना हो, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसी पे कॉम्बो बॉक्स पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्बो बॉक्स के इवेंट पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक और कोडिंग करनी पड़ेगी आफ्टर अपडेट। आफ्टर अपडेट क्या है, एक इवेंट है, ठीक है, इस पर हम कोडिंग करेंगे, इसको सब कॉपी कर लेंगे, जितना भी हमने इसमें करा कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट करा लेंगे। पेस्ट कराने के बाद हम क्या करेंगे, XFD पे तो हमने क्या करा, डेटाबेस प्रिंट करा दिया, XFC पे हम क्या करेंगे, टेबल को प्रिंट करा देंगे। तो XFD की जगह यहाँ पे XFC लिख दो, ठीक है, और डेटाबेस की जगह यहाँ पे टेबल लिख दो, स्टार की जगह यहाँ पे नेम लिख दो, ठीक है, क्यों मुझे टेबल के नेम चाहिए तो यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, नॉट एन बिग इशू, ठीक है। और इधर भी आई वुड से कि इधर भी नेम ही लिखो कि हमें डेटाबेस का नाम ही चाहिए, सारी चीज़ें तो चाहिए ही नहीं, तो इसको भी हम नेम कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे XFC पे ये करा, क्वेरी हमारी ये रन होगी। अब ये जो पाइथन डेटा है ये हमारा स्टैटिक है, ये पाइथन डेटा क्या है, एक डेटाबेस है, इसको डायनेमिक करना पड़ेगा। तो डायनेमिक क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा कॉमो बॉक्स वन में है वही मेरा डेटाबेस होगा एक्टिवेट, ठीक है। वो हमने यहाँ पे क्या करा दिया, ये देखो इसको हमने क्या करा, रेफरेंस बना दिया, ये भी चीज कर दी, ये भी चीज कर दी। अब प्रिंट कहाँ कराना है, XFC पे कराना है, ठीक है। लूप भी कहाँ चलाना है और किसके लिए चलाना है, कॉमो बॉक्स 2 के लिए चलाना है
किस पर्टिकुलर कॉलम पे चलाना है, एक्सएफसी पे चलाना है, और इसको भी एक्सएफसी कर दो, सिंपल। ठीक है, हमने क्या करा यहाँ पे, हमने सिर्फ रेफरेंस चेंज करा। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, यू वुड सी कि अभी कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे कोई टेबल जॉइंट्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एरर आ गया। टेबल ये बोले टेबल सिलेक्ट डॉट टेबल, और राइट यहाँ पे हमने एक क्वेरी लिख रखी है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। टेबल्स है, टेबल लिख रखा है, मैं इसको टेबल्स कर देते हैं, ठीक है। इसको हम रिसेट करने के बाद इसको हम करते हैं रन। जैसे रन करूँगा मैं, डेटाबेस के हमारे नाम आ गए, जॉइंट्स पे क्लिक करा, विल सी यस। जैसे जॉइंट्स पे क्लिक करा तो यू गाइस कैन सी सारे टेबल आ गए, जॉइंट्स के अगेंस्ट में जितने भी टेबल हमने क्रिएट कर रखे हैं सारे आ गए। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करता हूँ, बिल्ड कार्ड करता हूँ देन, और जैसे सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करूँगा सी, ठीक है, जितने भी टेबल हैं सीधे इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर में वो सारे यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। क्या ये यहाँ पे आ रहे हैं? ये सारे। बट जैसे ही आ रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ देखो, यहाँ पे इतने सारे टेबल तो एक्सएफसी कॉलम में है नहीं जितने यहाँ पे दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि जो हमने पहले करा है वो भी इसी के अंदर अपेंड हुए, क्लियर नहीं हुआ, तो पहले इसको क्लियर कराना पड़ेगा। यहाँ पे एक कोड और लिख देंगे, मी डॉट कॉमो बॉक्स टू डॉट क्लियर, सिंपल। F5 कर दो। अब आपको वही टेबल दिखेंगे जो एक्सएफसी में होंगे, ये देखो सारे हैं एंड तक। बट चेंज करता हूँ मैं, अब मैं कंडीशनल ट्रिगर करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दो हैं टेबल तो दो और हैं, राइट। ठीक है, यहाँ हमने डेटाबेस को भी हम लिया है, टेबल को भी लिया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, अगर आप अपने सिस्टम में यूज़ करना चाहते हो तो आप बस अपने यहाँ पे सर्वर नाम डालो, थिंग्स वुड वर्क क्वाइट क्विक फॉर यू। आप इसको डाउनलोड करके यू गाइस कैन स्टार्ट टू यूज़, ठीक है। इसको करते हैं, तो यूज़र यहाँ पे चला गया तो उसको बैकएंड में एक्सेप्टी एक्सेप्सी में क्या चल रहा है नॉलेज, बट आपको पता है बिकॉज यू वुड बी द एडमिन फॉर दिस यूटिलिटी, ठीक है। तो सिलेक्ट डेटाबेस करा हमने, जॉइंस कर दिया फॉर एग्जांपल, और टेबल में अगर मैं जॉइन टेबल टू करता हूँ, मैं गेट डेटा करूँ, जैसे ही गेट डेटा करूँ तो मेरा क्या हो, एग्जिस्टिंग इसी पर्टिकुलर शीट में क्या हो कि एक यहीं पे डेटा प्रिंट हो जाए रो नंबर 7 से। बट एक्सपोर्ट डेटा जैसे क्लिक करें तो एक्सपोर्ट डेटा वही डेटा एक डिफरेंट वर्कबुक में पेस्ट हो और वो एक्सपोर्ट हो जाए और वो पर्टिकुलर किसी फोल्डर में जाके सेव हो जाए या करंट फोल्डर में जाके सेव हो जाए, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू। तो यहाँ पे ऑल्ट F11 करते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट डेटा और डेटा को प्रिंट कराने के लिए हम कोड नहीं लिखेंगे, मतलब वी विल बी क्रिएटिंग द फंक्शन। मॉड्यूल 2 में हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन, क्योंकि दिस इज ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ दिस ना यू विल ऑल्सो लर्न कि हम फंक्शन कैसे बनाते हैं बड़े बड़े। तो यहाँ छोटा सा फंक्शन और ट्रिकी फंक्शन बनाएंगे कि हमें कोडिंग ना लिखने की वजह हम उस फंक्शन को बार बार कॉल करा सकते हैं। तो फंक्शन गेट डेटा इन एग्जिस्टिंग शीट, ठीक है। पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें टेबल नेम चाहिए या डेट सर्वर नेम चाहिए, पहले सर्वर नेम एज स्ट्रिंग, ठीक है। अब उसके बाद क्या चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे हमें चाहिए डेटाबेस नेम, तो डेटाबेस डेटाबेस नेम एज स्ट्रिंग कर देता हूँ। फिर टेबल नेम चाहिए, टेबल नेम 1 एज स्ट्रिंग कर देता हूँ। उसके बाद क्या चाहिए आपको, शीट नेम चाहिए, शीट की शीट में आप प्रिंट कराना चाहते हो सारा डेटा, ये करा। उसके बाद जो कनेक्टिविटी की जो कोडिंग है वो हम फटाफट लिख लेते हैं, बीम CNN एज न्यू AODB कनेक्शन। CNN इट मींस कि आई यूज इट, तो यू गाइस कैन राइट एनीथिंग दिस इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है। RST स्टैंड फॉर रिकॉर्ड सेट, न्यू रिकॉर्ड सेट, K एज अ इंटीजर, ऑलराइट। STR वी आर डिक्लेयरिंग जस्ट टू क्रिएट द स्ट्रिंग, ओके। QRY एज अ स्ट्रिंग, मतलब जो हम क्यूरी लिखेंगे, क्यूरी भी तो बनाएंगे तो उसको इसी के अंदर स्टोर कराएंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्यू और वाई करते हैं, इसको लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किस टेबल से, टेबल नेम जो हम यहाँ पे मांगेंगे, टेबल नेम वन, ठीक है। टेबल नेम वन क्या है, आप यह बोलोगे, जब हम फंक्शन को क्रिएट कराएंगे तो टेबल नेम टेबल अंडरस्कोर नेम वन में हम उस पर्टिकुलर टेबल को स्टोर कराएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ये दे दिया कि कोई भी इसके अंदर स्टोर हो टेबल ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। अब करते हैं स्ट्रिंग बनाते हैं, STR प्रोवाइडर, ठीक है, SQL OLED DB 1.0 इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी SSPI
डेटा सोर्स में हमारा क्या रहेगा, सर्वर नेम जो हम यहाँ पे मांग रहे हैं, सर्वर नेम, ठीक है। अब इनिशियल कैटलॉग, अब इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर भी हम जो यहाँ पे डेटाबेस मांग रहे हैं, डेटाबेस नेम, ठीक है। बस ये हमने यहाँ पे डायनेमिक कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वर नेम, ऑल राइट, यहाँ पे इसको एस कर देते हैं। अब cnn.open सर्वर नेम को भाई वो भी कराना पड़ेगा, हम ओपन पे ओपन करा दिया, rst.open, ठीक है, rst.open। अब हमें क्वेरी रन करनी qry.cnn.cnn कर दिया, यहाँ पे हमारा क्वेरी यहाँ पे रन हो चुका है। अब हेडर प्रिंट कराना है, 4k रो नंबर 02 कर देते हैं, rst.row नंबर, इट इज़ द इंडेक्सिंग ऑफ हेडर, ठीक है, एसक्यूएल से। एसक्यूएल के अंदर जो हेडर स्टार्ट होते हैं उसको जो इसकी इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, फील्ड डॉट काउंट -1, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंट कहाँ से कराना है डेटा, रो नंबर 7 से, तो यहाँ कर देते हैं दिस वर्कबुक रेंज a7.offset0k.value rst.field k., दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, यहाँ पे हम शीट नेम देंगे, शीट नेम, शीट नेम जो हम यहाँ पे मांग रहे हैं, कहाँ पे मांग रहे हैं, इधर मांग रहे हैं, ठीक है। ये आपको दिख रही लाइन, ये हमने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे हमने हेडर प्रिंट करा दिया। अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, डेटा, तो रो नंबर 8 से हम पूरा डेटा को यहाँ प्रिंट करा देंगे, कॉपी फ्रॉम रिक्वेस्टेड rst, यहाँ देखो मैसेज बॉक्स डेटा हैज बीन प्रिंटेड, ठीक है, ये चीज हमने कर दी। दिस इज द फंक्शन, इसको कॉल कराते हैं, इसी फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, यूजर फॉर्म 2 पे जाते हैं, गेट डेटा पे क्लिक करते हैं, यहाँ कॉल कराएंगे, कॉल डीम सर्वर नेम देना पड़ेगा, डीम सर्वर नेम एज स्ट्रिंग, कहाँ रहेगा ये सर्वर नेम, ये हमने सर्वर नेम कहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ना, तो इसका रेफरेंस दे देंगे, किसका, B5 का, ठीक है। तो यहाँ पे शीट भी कर लेते हैं, sh as a worksheet, set sh this workbook dot sheets 1। अब यहाँ पे हमें फंक्शन को कॉल कराना, कॉल दिस फंक्शन, अब क्या क्या पैरामीटर मांग रहे हैं, पहले सर्वर नेम दो, सर्वर नेम हमारा कहाँ पे है, B5 में जो सर्वर नेम होगा उस पर ही चलेगा। अब डेटाबेस नेम किस पे हमने स्टोर कराया है, कॉमो बॉक्स 1 पे, तो me.comobox1.value। अब टेबल नेम कॉमो बॉक्स 2 है, ऑब्वियसली कॉमो बॉक्स 2.value। शीट नेम क्या, शीट नेम हमारा है शीट 1। आई होप गाइस कि आप समझ रहे हो कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, यहाँ हमने एक फंक्शन क्रिएट करा, उसको हमने यहाँ पे कॉल करा दिया, बहुत सिंपल तरीका, ठीक है। तो इसी बहाने आपने ये भी सीखा कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, तो दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन क्रिएट करा, इसी फंक्शन को मैंने यूजर फॉर्म 2 में मैंने कॉल करा दिया, ठीक है। नाउ लेट्स रन इट, मैं गेट क्लिक पे कर, क्लिक पे मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक बटन पे, जॉइंस पे क्लिक करा, आई हैव गॉट ऑल द टेबल्स नेम, ये सारे टेबल्स नेम है। फॉर एग्जांपल कि मैं इनर 2 पे क्लिक करके मैं गेट डेटा करता हूँ, जैसे गेट डेटा करा, आई एम गेटिंग द एरर मल्टीपल स्टेप, ओके वट इज़ द प्रॉब्लम, सो यहाँ देखते हैं, प्रोवाइडर SQL OLADB इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी SSPI डेटा सोर्स, यहाँ पे सर्वर नेम ये है, ऑल राइट, ठीक है। देन इनिशियल कैटलॉग डेटाबेस नेम जॉइंस, देन वट इज़ द प्रॉब्लम, देन str, ओके, सो हेयर आई थिंक वी आर मेकिंग स्पेलिंग एरर, str, where is the str, str is a string, alright, so here we are getting, you know, the error, so what is the error here, error multiple steps OLEDB operation, check each step value if available, okay, no work was done, alright, ठीक है, so I think the issues can be, we are not, ठीक है, यहाँ पे हम close नहीं करा रहे, तो cnn.close करते हैं इसको, ठीक है, और ऊपर पे हम close करा देते हैं, now let's run, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्लिक एरर,
user from 2.show false. Why? Operation is not allowed when the object is closed. So why we are closing? Okay. So what is the problem here? Problem is we need to remove it. User form 2. We run karte hain. Operation is not allowed when. So user form 2 पे क्लिक करा, इस बेकन में चलते हैं, जो हमने यहाँ क्लोज करा है इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं. ऑल राइट, इसको रन करते हैं. रन करा, ओके, ट्रिगर, दो टेबल है हमारे पास, फोन नंबर, गेट डेटा. ओके, तो हियर वी आर गेटिंग एरर, प्रोवाइडर एसक्यूएल, प्रोवाइडर एसक्यूएल ओ एल ई डी बी 0.1.0 integrated security. All right, data source server name is correct. ठीक है, initial catalog is also correct. Then what is the problem? Problem can be the multiple error. Okay, database में हमने क्या दिया, trigger दे रखा है. Okay, so what we guys can do if we are getting, so might be there would be you know some spell error. So what we are doing, we are copying this string. Okay, otherwise I would check it in the deep, then it would take more time. So module 2 pe hum isko kya karte hain, copy paste kar dete hain, and we will be replacing the things. So here what you guys can do, is server name ko aap yahan pe kya kar doge, and data source aapne ye diya hai, great. All right, so what is the problem, isko hum comment karte hain. Now let's run, theek hai, इसको रन करते हैं यूजर फॉर्म 2 को. ऑलराइट, जॉइंस आईएन 1 एंड गेट डेटा, वेरिएबल नॉट डिफाइंड एसएच. तो हियर एसएच के जगह हम क्या कर देंगे, यहां पे सर्वर नेम दे देंगे, सर्वर नेम, ठीक है. F5 करते हैं, आईएन 2, टेबल नेम हमारा क्या है, आईएन _1, select the star from this, ठीक है. Then what is the problem we are facing? Alright, so let's print this query. इसको हम थोड़ा सा print करते हैं, debug.print, okay. And Ctrl G करते हैं, so that क्या हम यहाँ देख लेंगे, F8. जैसे F8 करा तो select star from this table. So I think query is correct. And what is the problem? All right. So here I think module 2 पे चलते हैं. What error we are getting here? We are getting error around here, right? तो हमने QR select star from this table, right? तो यहाँ पे I think हमने क्या कर रखा है, इसको हम variant करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो table का नाम है वहाँ पे नाम वो number भी आ रहा है, just because of that it is not completely string, I believe. So let's check. F5 करते हैं, get data, today 1, select table पे हम करते हैं sheet 4, get data करते हैं, invalid object name sheet 4, this is showing. All right, see, very basic error we have done, we have done everything but we have not changed the python data, तो इसको हमें change करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम simply लिखेंगे टेबल नेम, सॉरी डेटाबेस नेम, ठीक है. हियर वी आर मेकिंग मिस्टेक, वेरी बेसिक एरर. क्लिक करते हैं, ट्रिगर, ये दो टेबल हैं, फोन नंबर एंड गेट डेटा. जैसे गेट डेटा करेंगे, डेटा हैज बीन प्रिंटेड, क्योंकि कोई डेटा है ही नहीं. डेटा 1 पे क्लिक करके देखते कोई डेटा है, नो डेटा वी हैव. तो हम फॉर एग्जांपल बिल्ड कार्ड का डेटा ले लेते हैं, एंड विल सी मास्टर डेटा हमारे पास. गेट डेटा पे क्लिक करा, देखा आपने कि सारा डेटा हमारे पास एक झटके में आ गया पूरा. जो भी हम डेटा, जो भी टेबल हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगेन क्लिक करते हैं, मुझे अब फॉर एग्जांपल डेटा लेके आना है, पाइथन डेटा से लेके आना है, और सेविंग का डेटा लेके आना है, सेविंग का, और गेट डेटा कर दो. अब यही जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो एक्टिविटी अभी हमने करी, क्या एक्टिविटी करी, कि हमने डेटा हम लेके तो आ रहे हैं बट एग्जिस्टिंग में हम यहाँ पे पेस्ट करा रहे हैं.
अब मुझे यही चीज़ क्या करना है, एक सेपरेट वर्कबुक में पेस्ट कराना है और उसको सेव कराना है करंट वर्कबुक में, आई मीन करंट फोल्डर में। तो ऑल्ट एफ 11 करके एक फंक्शन और बना देंगे सेम, इसी को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद एवरीथिंग वुड बी सेम। जो हम यहाँ पे दो चीज़ ऐड कर देंगे, नई वर्कबुक ऐड कर देंगे, डिम डब्ल्यू के बी एज अ वर्कबुक, सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना है सेट डब्ल्यू के बी वर्कबुक डॉट ऐड। ऐड कराने के बाद हमें कहाँ प्रिंट कराना है, इस पर्टिकुलर शीट में, ठीक है। कहाँ से, वन से, ए सेवन की जगह ए वन कर दो और यहाँ पे ए एट की जगह ए टू कर दो। ए टू की जगह दिस वर्कबुक हटा देना है, दिस वर्कबुक हटा दिया हमने। यहाँ हमने क्या करा है, एक सेपरेट वर्कबुक में सब कुछ करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, वट नेक्स्ट वी नीड टू, नेक्स्ट की हमें उससे सेव कराना है। तो यहाँ लिखो डब्ल्यू के बी सेव एज, डब्ल्यू के बी, यहाँ हमने डब्ल्यू के बी वर्कबुक्स डॉट ऐड करा दिया, ओके। रेंज ए वन डॉट ऑफसेट आर एस टी फील्ड के डॉट नेम, ओके। रेंज ए टू डॉट कॉपी फ्रॉम रिकॉर्ड सेट, ठीक है। ऑलराइट, डब्ल्यू के बी एस वर्कबुक कर दिया। वर्कबुक ऐड कराने के बाद यहाँ पे हमने करा वर्कबुक्स डॉट ऐड वाई, ओके। हमें क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन का नाम भी हमें चेंज करना पड़ेगा ना। तो गेट डेटा या एक्सपोर्ट डेटा, एक्सपोर्ट डेटा इन एक्सेल, ठीक है, ये कर दिया, ये नाम दे दिया हमने अपने फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, सारा काम कराने के बाद इसको सेव करा देंगे, डब्ल्यू के बी डॉट सेव एज, फाइल नेम क्या रहेगा आपका, दिस वर्कबुक डॉट पाथ, और जो भी टेबल, जो भी वर्कबुक का नाम रहेगा वो पर्टिकुलर टेबल के नेम से रहेगा। तो यहाँ मी डॉट कॉमा बॉक्स, मी, या यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंपल टेबल नेम जो हमने मांगा, डॉट एक्सेल एक्स में सेव हो जाए, उसके बाद क्लोज हो जाए सेव, ठीक है। और ये सेव का, दिस वर्कबुक का मतलब क्या है, दिस वर्कबुक का मतलब ये है कि जो यूटिलिटी है, जो यहाँ पे जो फाइल रखी है जिस भी फोल्डर में, वहाँ पे जाके वो सेव हो जाएगी। जैसे कहाँ रखी है मैंने, यू गाइस कैन सी हियर, इधर है ये प्रोजेक्ट है। अभी यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं दिख रही आपको, करेक्ट। अभी मैं क्या करता हूँ, पहले फंक्शन को कॉल कराते हैं, इसको कॉल करा देते हैं, यूजर फॉर्म टू पे चलते हैं और इस पर हम कॉल कराएंगे, कॉल दिस। अब सर्वर नेम क्या है, अब जो हमने, जो हम गेट शीट करा रहे हैं इस पे, इसी को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। अब ये क्या मांग रहा है, सर्वर नेम। तो सर्वर नेम क्या है, एस एस डॉट रेंज बी फाइव डॉट वैल्यू। अब डेटा बेस नेम, तो मी डॉट कॉमन बॉक्स वन डॉट वैल्यू। टेबल नेम, मी डॉट कॉमन बॉक्स टू डॉट वैल्यू। अब शीट नेम क्या है, शीट नेम आपका शीट वन ही रहेगा, ठीक है। इसको हम हटा सकते हैं, वी डोंट नीड इट, फंक्शन से भी हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से भी इसको हम हटा देंगे, वी डोंट नीड इट, ठीक है। ऑलराइट, सो वी आर अ गुड टू गो सो फार। अब इसको हम करते हैं रन, क्लिक करा मैंने, मुझे फॉर एग्जांपल एसक्यूएल सर्वर से डेटा लेके आना है, मुझे लेके आना है डेटा कंपोजिट की का, गेट डेटा करते हैं, डेटा आ रहा है। अब इसी डेटा को मुझे एक्सपोर्ट कराना है, एक्सपोर्ट कर दिया मैंने, जैसे एक्सपोर्ट करा, सी डेटा हैज़ बीन प्रिंटेड, उसका मैसेज बॉक्स हम चेंज कर सकते हैं। फोल्डर में जाके चेक करेंगे कि आया भी है, यस कंपोजिट की के नाम से आ गई अभी है। अब इसको ओपन करके देखते हैं, सी सेम डेटा। तो हाउ गुड इट इज़ गाइज कि आप कोई भी डेटा मिंट से पहले आप यहाँ पे लेके आ सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं पाइथन डेटा के अंदर मुझे को सेविंग का डेटा प्रिंट भी कराना है और एक्सपोर्ट भी करना है। गेट डेटा, डेटा प्रिंट हो गया, एक्सपोर्ट डेटा का, एक्सपोर्ट डेटा में देखो मेरा डेटा भी एक्सपोर्ट हो जाएगा और यही डेटा रहेगा, इसके अलावा कोई भी डेटा नहीं रहेगा। सेविंग, इसको मैंने ओपन करा, यू गाइस कैन सी वही डेटा। तो दिस इज़ वेरी इजी कि बस आप यहाँ पे क्या करो, अपना सर्वर नेम डालो, इधर आपको सर्वर नेम डालना है B5 पे, यू गाइस कैन स्टार्ट टू वर्क और यू गाइस कैन ऑल्सो यूज दिस फाइल यू नो इन योर ऑफिस एज वेल, ठीक है। तो आई होप गाइस यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड आई वुड शेयर दिस फाइल और
okay with you guys, and you guys can download it from the description box. Okay, so again we will meet soon, okay, with a new topic, and that topic definitely would be, you know, the different from the others video that I had uploaded so far. Okay, so milte hain next video mein. Okay, bye bye, take care everyone, and thank you so much for watching this video. Bye, take care.